हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम 29 अगस्त का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम कल डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले कल जो न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट पीआईबी में न्यूज आई थी, वो आई थी नाफ्टा को लेके। तो बेसिकली इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि नाफ्टा है क्या क्या, इसको लेके इम्पोर्टेंट फीचर्स वगैरह हैं। वो देखो, नाफ्टा बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूपीएससी बेसल की तो जो इंडिया के एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया ने किसी कंट्री के साथ की वो पूछती है। बट जो नाफ्टा है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमेशा, कहीं भी ना कभी न्यूज़पेपर वगैरह में आता है। और कल इसके बारे में एक एडिटोरियल भी आया था, तो वहाँ पे भी इसके बारे में काफ़ी सारा जिक्र है, वो किया गया था, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे हम देख लेते हैं। यह बेसिकली देखो, जो तो तीन कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड को लेके। कौन कौन सी कंट्री है? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। इन तीन कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर ट्रेड की जो क्वालिटी है या फ्री ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली एग्रीमेंट है, वो किया गया था। बेसिकली 1994 में यह है, वो मतलब एक तरह से एक्टिव फॉर्म में आया था 1993 में, बेसिक यह किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कंट्री आती है नाफ्टा में, ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ अमेरिका की जो तीन कंट्री हैं यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, इनके बीच में ट्राई नेशनल जो रूल रेगुलेशन वगैरह है इनको इम्प्रूव करने के लिए, इसी के साथ ही ट्रेड के जो बीच में जो भी बैरियर हैं उनको खत्म करने के लिए, मतलब जो रिड्यूस ट्रेड बैरियर हैं इनके लिए बेसिकली नाफ्टा का निर्माण है वो किया गया था। तो अब हम चलते हैं। बेसिकली ये कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन को काउंटर करने के लिए भी इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, नाफ्टा में कौन कौन सी कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आया है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम को लेके। कंटेक्स्ट कुछ देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि स्वदेश दर्शन स्कीम है वो है क्या। देखो, हमारे देश में गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम वगैरह लेके आती है, तरह तरह के कैंपेन वगैरह भी चलाती है। और इसी तर्ज पर टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि होगा क्या कि हमारे देश में टूरिज्म सेक्टर के तौर पे जगह जगह उनको हब बनाया जाएगा, मतलब एक तरीके से एक सर्किट है उनको तैयार किया जाएगा, और उनको थीम बेस्ड अप्रोच के ऊपर उनको फोकस है वो किया जाएगा, उनको डेवलप है वो किया जाएगा। इसमें जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और इस फंड का यूज़ करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट टूरिज्म वाले एरिया हैं उनके ऊपर एक सर्किट है उसको थीम दी जाएगी कि भाई यहाँ की थीम ही है, जैसे कि जयपुर है उसका पिंक सिटी है, तो ये उसके थीम बेस्ड वहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया जाता है। उसी तर्ज पर हमारे देश में जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, त्रिपुरा के अंदर भी जगह जगह पे सर्किट हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये देखो, सर्किट वगैरह तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा सर्किट कहाँ पे है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि स्वदेश दर्शन स्कीम में क्या क्या जा रहा है। तो हम समझ गए हैं कि स्वदेश दर्शन स्कीम में होगा ये कि गवर्नमेंट है वो सारा पैसा खुद देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें थीम बेस्ड जो सर्किट है, थीम बेस्ड जो टूरिज्म वाली जगह है उनको डेवलप किया जाएगा, ताकि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही जो हेरिटेज साइट है उनको भी डेवलप किया जाएगा, उनको भी कंजर्व है वो किया जाएगा। मेन मोटो क्या है कि हमारे देश में पर्यटन है, टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। देखो, टूरिज्म होता है ना, उससे बहुत बेनिफिट होती है। टूरिज्म से ऐसा नहीं कि केवल पैसा ही मिलता है, टूरिज्म से डाइवर्सिटी बढ़ती है। दूसरी कंट्री के जब लोग आते हैं तो हमें कुछ कल्चरल वैल्यूज़ का पता चलता है, वो भी हमारे कल्चर के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ती है। इसी के साथ ही जब लोगों के बीच में अट्रैक्शन, मतलब आपस में कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, इससे लोग एक दूसरे के जो कल्चर वगैरह है उनके बारे में जानने सीखने को मिलता है, वहाँ के लोगों के बारे में इंडिया के लोगों को पता चलता है कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, और फॉरेन की जो कंट्रीज हैं जो इंडिया में विजिट होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया के कल्चर को जानेंगे, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में पता चलेगा। तो इससे काफ़ी तरह के बेनिफिट इंडिया को होते हैं, एक ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, इसका सोशल बेनिफिट भी होते हैं। हमें पता चलता है कि यार बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन है, हमें भी उसी तरीके के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, वो अच्छा है, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा तो काफ़ी सारा हमें पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ बहुत से बेनिफिट भी होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्वदेश दर्शन स्कीम है वो क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था ड्रोन के रेगुलेशन के लिए। देखो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बेसिकली ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन वगैरह वो टाइम टू टाइम है वो जारी की जाती हैं। तो अभी एक्चुअली सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो ड्रोन का जो कॉमर्शियल यूज है उसको इनेबल करने के लिए, ड्रोन का कॉमर्शियल यूज को स्टार्ट करने के लिए अपनी कुछ गाइडलाइंस वगैरह उन्होंने स्टार्ट वो की है। उनका नाम है ड्रोन रेगुलेशन 1.0, मतलब ड्रोन रेगुलेशन का फर्स्ट वर्जन है वो भी उनके द्वारा लॉन्च हो किया गया है। तो हमारे देश में जो अनमैन्ड व्हीकल हो गए, जैसे ड्रोन वगैरह हो गया, मतलब अनमैन्ड व्हीकल का मतलब ये होगा कि जिसमें इंसान नहीं हो उसको, मतलब जो भी आप बोलते हो कि रिमोट वगैरह की हेल्प से चलाया जा रहा हो, संचालित किया जाता हो, तो वो होते हैं अनमैन्ड व्हीकल।
अब इसमें कुछ गाइडलाइन क्या है एक बार वो तो हम थोड़ा देख लेते हैं। एक गाइडलाइन तो ये है कि कोई भी जो ड्रोन वगैरह है नॉर्मली वो 400 फीट की ऊंचाई ज्यादा से हाइट से नहीं उड़ाया जा सकता। ड्रोन है उसके ऊपर रेगुलेशन वगैरह इस तरीके से फिक्स किए गए हैं ताकि उनका मिसयूज नहीं हो सके, क्योंकि देखो ड्रोन है वो सिक्योरिटी के लिए भी काफी अहम होते हैं। हो सकता है कि कुछ इनेमी कंट्री है उनका मिसयूज करते हुए हमारे देश की कुछ सिक्योरिटी है उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाई, इसीलिए ड्रोन की गाइडलाइन है वो आजकल टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उनको अपडेट है वो करती रहती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे ड्रोन है उसकी मतलब आप बोल सकते हो कि जो उड़ान है वो अलाउ नहीं की गई है, जैसे कि काफी सेंसिटिव मिलिट्री वाला एरिया होता है वहां पे, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के आसपास वाला एरिया हो गया, या फिर दिल्ली के अंदर जो विजय चौक है जिसके आसपास प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर का हाउस है वगैरह, जो काफी मतलब मेन दिल्ली का जो एरिया हो गया है उस वाले एरिया की बात की जा रही है कि वहां पे काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सकती है। इसी के साथ जो स्टेट की जो लेट से जो असेंबली वगैरह होती है मतलब जो भी एरिया वहाँ पे ऐसी सेंसिटिव न्यूज़ मिल सकती है या वहाँ पे कोई भी ऐसा डाटा लिया जा सकता है उन वाले एरिया पे एक्चुअली ड्रोन है वो प्रतिबंधित है, वहाँ पे ड्रोन का यूज़ नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही हमारे देश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके 50 किलोमीटर की रेंज में भी ड्रोन है उसको बेसिकली अलाउ है वो नहीं किया गया है ताकि कोई भी एक तरीके से सिक्योरिटी का लेक वगैरह नहीं हो सके। तो ये कुछ गाइडलाइन है वो जारी की गई हैं। और अभी कुछ गाइडलाइंस में ऐसे भी प्रावधान किया गया है कि जैसे कि बेसिक इंग्लिश है वो आना जरूरी है ड्रोन के लिए, अगर जो भी ड्रोन चलाना चाहता है उसके लिए। इसके साथ ही देखा जाए तो 18 ईयर एज होनी चाहिए और 10th पास कम से कम होना चाहिए, उसके बाद ही ड्रोन है उसको रेगुलेट या ड्रोन को संचालित किया जा सकता है किसी के द्वारा। इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर की गई है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है जो भी वो ड्रोन को ऑपरेट करना चाहता है उसके लिए, और जो ट्रेनिंग वगैरह वो दी जाती है DGCA के द्वारा जो कि एयरपोर्ट के जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है उसके द्वारा ट्रेनिंग वगैरह वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह हमें ध्यान रखनी है, ये हम थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है वोलबेचिया बैक्टीरियम के बारे में। तो देखो बैक्टीरिया और बैक्टीरियम दो चीज़ होती हैं, पहले तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो एक तरीके से मान लो कि सिंगल बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं उसको बेसिकली बैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है, और जब काफ़ी सारे बैक्टीरियम का ग्रुप हो जाता है उसको कहते हैं बैक्टीरिया। मतलब ये प्लूरल फॉर्म हो गई है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया, और सिंगल फॉर्म हो गई उसको क्या बोलेंगे बैक्टीरियम। तो टीनी बैक्टीरिया मतलब बहुत छोटा बैक्टीरिया है, मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया है उसको नाम है यहाँ पे वोलबेतिया। तो वोलबेतिया जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली मोस्ट कॉमन परजीवी है, मतलब पैरासाइट है, ये दूसरों की बॉडी पे रहता है बेसिकली। तो ये मोस्ट कॉमन मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में पाया है वो जाता है। जैसा कि देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसा नहीं कि कुछ खतरनाक ही होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हमारी डेली लाइफ के लिए बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। तो बैक्टीरिया में दोनों ही चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। वायरस है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा नुकसान वो पहुँचाता है, वायरस है वो नेगेटिव मतलब ये कह सकते हो कि वायरस वो नुकसान ज़्यादा फैलाता है, बट बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। और जो ये वोल बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये परजीवी तो होता ही होता है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान है वो रखनी है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बारे में फैक्ट्स ये है कि देखो जो भी कीट पतंगे पाए जाते हैं उनकी लगभग 60% जो स्पीसीज होती है ना उसमें वोल बैक्टीरिया बैक्टीरियम है ये पाया जाता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी देखो डेंगू वगैरह के बारे में रिसर्च वगैरह स्टडी वगैरह चल रही थी, तो जो डेंगू वगैरह के लिए जो इम्पोर्टेंट मतलब जो मच्छर जिम्मेदार होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्ट, ये बेसिकली मच्छर होता है ना, इस मच्छर में जो वोलबेतिया जो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। और अभी साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे न कैसे जो वोलबेतिया जो बैक्टीरिया है ना इसको एडीज एजिप्ट मच्छर के अंदर ट्रांसप्लांट पुट कर रख दिया जाए या इसके अंदर इसको पुट किया जाए ताकि कहीं ना कहीं हम जो भी प्रोसीजर या जो भी डेंगू वगैरह जैसी डिजीज फैलती हैं उनको हम काउंटर कर सकें, क्योंकि जो वोल बैक्टीरिया बैक्टीरिया है इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं हम वायरस है जो ये सॉरी एडीज एडिप जो मच्छर है इसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है इसको भी हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट हैं उस चीज़ के बारे में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डिजीज वगैरह होती हैं उसके दौरान बैक्टीरिया का यूज है वो किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। तो एडीज एजिप्ट मच्छर के अंदर वोल बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया वो नहीं पाया जाता है, ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान है वो यहाँ पे रखनी है। अदरवाइज मैक्सिमम जो 60% कीट पतंगे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देखो ये एक बेसिकली इंडिया की एक स्टेचुरी बॉडी है, ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। मिनिस्ट्री कौन सी है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है और स्टेचुरी बॉडी है।
अब BIS का काम क्या है? देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का काम यह है कि हमारे देश के अंदर जो भी गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, फूड वगैरह के लिए हो या फिर सर्विस सेक्टर के लिए हो, उन सब के लिए गाइडलाइन है वो सिक्योर की जाती हैं। जैसे कि किसी ने होटल खोला तो भाई उसके लिए फिक्स होगा कि आपको एटलीस्ट होटल खोल रहे हो तो आपके होटल में बेसिक ये फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता कि हम बस वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो कुछ बेसिक फैसिलिटी बस में होना कंपल्सरी होता है। जैसे कि एक तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, इसके साथ ही जो इमरजेंसी के लिए अगर फायर वगैरह लगी तो उसके लिए सिलेंडर होता है वो भी होना चाहिए, मतलब आग बुझाने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं। किसके द्वारा? ये की जाती हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। वो फिक्स करता है कि भाई इन इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करते हुए चलना है। जैसे आप बोल सकते हो कि गोल्ड वगैरह होते हैं, जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, उनको भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ISO मार्का होता है, वो भी सारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ही तय है, वो किए जाते हैं। तो अभी सिनेरियो है, अभी जो नया कंटेक्स्ट है वो ये है कि सर्विस सेक्टर है उसके अंदर नए स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की बात वो की जा रही है। तो उसको लेके अभी मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो न्यूज़ में है। जैसे कि हमारा IT सेक्टर हुआ, या फिर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, लॉजिस्टिक सेक्टर हुआ, होटल हॉस्पिटलिटी हुई, इन सेक्टर्स के अंदर का जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो उन स्टैंडर्ड को वापस से ढंग से रखा जा सके लिए नए स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो कर सकें। उसके लिए बेसिकली नए स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी इसके द्वारा बनाए जाने की बात है वो की जा रही है। ये जो नए स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक कोऑपरेटिव बॉडी है जिसके अंदर 25 मेंबर होते हैं। उन मेंबर्स के द्वारा बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं वो तय किए जाएंगे। तो उनको लेके भी एक कंटेक्स्ट है वो आया है। तो बेसिकली कल कुछ इतनी ज्यादा न्यूज नहीं थी, तो जो भी थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट है वो कर ली है। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।